और अब अयोध्या से एक बड़ी खबर मिल रही है। अयोध्या में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अयोध्या में बूथ नंबर 4 पर सड़क हादसा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि इस हादसे में बस ट्रक के नीचे दब गई। 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घंटों रेस्क्यू के बाद 30 से 40 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 5 से 7 लोगों की हालत नाजुक है। 2 तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, घटनास्थल की ये तस्वीर है। दुखद ये है कि इस भीषण सड़क हादसे में कई लोग तो घायल हुए हैं, और साथ ही बताया ये जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हो गई है। 12 लोग जिनको लेकर खबर ये है कि वो घायल हैं और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन दुखद है 6 लोगों की मौत की खबर है। घंटों रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद 30 से 40 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 5 से 7 लोगों की हालत इनमें नाजुक बताई जा रही है। 2 तस्वीरें रेस्क्यू के दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर के जरिए आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ये कितना भयंकर हादसा था, और इस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। सर, क्या पूरा हादसा है? शाम को लगभग 8 बजे के आसपास सूचना मिली थी, यहाँ पे बस्ती से एक बस लखनऊ की तरफ जा रही थी। उस समय यहाँ पे हाईवे पर, लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर, जो ट्रक मोड़ते समय दोनों के बीच में हादसा हो गया था, उसकी वजह से बस का पूरा पलट गया था, ट्रक भी पलट गया था। उसके बाद तुरंत सूचना मिलती, पुलिस मौके पर आई थी। मौके पर आते तुरंत सबको रेस्क्यू किया है। अभी लगभग यात्री 40 लोग, उसमें 7-8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सबका हॉस्पिटल पहुँचा हुआ है, वहाँ पे CMO सब हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। हमारा पुलिस टीम मौके पर है, सबसे सब वेरीफाई करें, सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे मौके पर सभी यात्री सब कुछ निकाल दिया हम लोग ने, ट्रक बस से सबको चेक कर लिया, वहाँ कोई आदमी नहीं है। बाकी डिटेल्स बाद में हॉस्पिटल में, और हम लोगों ने 5 मरीज वहाँ जिला अस्पताल में भेजे, लगभग 7 के लगभग मेडिकल कॉलेज में गए हैं, और सबकी इलाज चल रही है, कुछ कैजुअलिटी की भी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 10 एम्बुलेंस टाइम रहते हुए सब पहुँच गए थे, और सभी मजिस्ट्रेट भी पहुँचे हुए, सब पुलिस ऑपरेशन कर रहे हैं, और अभी हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कम्प्लीट हो गया है यहाँ पे, और सभी अस्पताल पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग ट्रैफिक को पा रहे हैं। अयोध्या में सड़क हादसे को लेकर CM दफ्तर की ओर से भी ट्वीट किया गया है और दुख जताया गया है। CM दफ्तर से जारी ट्वीट में कहा गया है, CM योगी ने अयोध्या में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख जाहिर किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनका समुचित उपचार कराने और राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। ये ट्वीट भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जो CM ऑफिस की तरफ से किया गया है।